चलिए नेट कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, फिर कुछ काम कर लिया जाए। तो लाइनेक्स का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, राजनीति क्या है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से वो इतिहास, भूगोल और उसका राजनीति विज्ञान ना बताऊँ आपको, और सीधा प्रैक्टिकल कुछ थोड़ा बहुत दिखा दूँ। वैसे तो आपको काम आने वाला नहीं है बहुत ज़्यादा लाइनेक्स, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ कि कैसे लाइनेक्स में रिफ्रेश होता है। वैसे रिफ्रेश तो होता नहीं है, ठीक है। तो मेरे में तो ऑलरेडी है, मेरे विंडोज 7 में वर्चुअल बॉक्स में है, और मेरा तो बेस मशीन ही यूबंटू है, डुअल बूट है मेरा सिस्टम, ट्रिपल बूट है। ओह नो, इसको थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूँ मैं, ठीक है जी। तो विंडोज के अंदर ही हमें यूबंटू इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पीछे आप बाद में बता दीजिएगा, वो बात तो मैं भी सुन करके हंस लूंगा, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक ना। तो विंडोज के अंदर ही इंस्टॉल करना है हमें लाइनेक्स या यूबंटू कह लो आप, ठीक है। तो विंडोज के अंदर ही इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, हमें वर्चुअल बॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स का सहारा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि डाउनलोड कर लेंगे वर्चुअल बॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्टुअल कैसे लिखा है यार, मालूम नहीं, वर्चुअल यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं वर्चुअल बॉक्स लिखूं कैसे। समझना है तो समझ जाएगा, इतने से नहीं समझना है तो हमको गरज नहीं गया है, ठीक है। तो ये है वर्चुअल बॉक्स, VMware कंपनी का। वर्चुअल बॉक्स के जगह पे आप दूसरा भी चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे हाइपर वी हो गया या VMware करके भी आता है कुछ, पर मेरे कंप्यूटर में जी बहुत ज़्यादा रैम नहीं है, 2 GB रैम है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि 500 MB का हाइपर वी डाउनलोड कर लूँ या VMware डाउनलोड कर लूँ, ठीक है। तो ये देखिए वर्चुअल बॉक्स इधर आपको मिलेगा, ठीक है, Added 7 year वर्चुअल बॉक्स Oracle, डाउनलोड में जाता हूँ मैं, ठीक है। और जब डाउनलोड में मैं चला जाऊँगा तो विंडोज़ के लिए है, बाकी बाकी के लिए है, मेरे को विंडोज़ चाहिए जी, मैं विंडोज़ में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अरे मत हो भाई डाउनलोड, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से है। तो आप इसी तरह से डाउनलोड कर लोगे विंडोज़ पे क्लिक करके, ठीक है। और डाउनलोड मेरा होने लगा था लेकिन मेरे को ये चाहिए नहीं, तो मैंने कैंसिल कर देता हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास पहले से है, ठीक है। फिर इसके बाद यूबंटू का आपको सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करना पड़ेगा, ISO, ठीक है, डाउनलोड। तो यूबंटू है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फ्री में डाउनलोड करके यूज़ करिए, तो आपसे यूबंटू नहीं आएगा पैसा ले मांगने। मैनेज ट्रैकर्स, ठीक है। तो ये 20 है वर्जन, LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसका माने है, इसमें बोल रहा है 2 GHz प्रोसेसर, डुअल कोर, 4 GB रैम होना चाहिए, 25 GB फ्री हार्ड डिस्क। मैं ये सब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसको पढ़ूंगा तो इसका कंडीशन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जादू हो जाएगा जी, और वो ऐसा जादू होगा कि आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने लगेगा जी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं डाउनलोड करूं क्योंकि ये 2.9 GB का है और मेरे मोबाइल में इतना इंटरनेट नहीं है अभी, इसीलिए मैं पहले से डाउनलोड करके रख लिया हूँ। आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना जी, मेरे को इसका ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं जी, यहाँ पे मैं आऊँगा, और कहाँ है, ये है
सॉफ्टवेयर फोल्डर में जाऊंगा और वर्चुअल बॉक्स, यहाँ पे देखिए मेरे पास वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है, मैं इसमें एंटर मारता हूँ, ठीक है, और ये थोड़े देर में घूमेगा और घूम रहा है देखिए, ठीक है, और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, ठीक है, और ये इंस्टॉल कैसे होगा मैं स्किप एक मिनट भी नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को नहीं पॉज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जो देख रहा होगा वो भी करिए लेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वार्निंग नेटवर्क इंटरफेस, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं यस कर दे रहा हूँ बस, ठीक है, आप भी कर देना, इसे मन करेगा तो ट्रांसलेट वगैरह कर लेना, मेरे को शौक नहीं है इतना। अब ये जो जो परमिशन मांगेगा हम इसको दे देंगे, ठीक है, और ये डाउनलोड होगा। तो मैं वर्चुअल बॉक्स में कर रहा हूँ, आपके लैब में जो कंप्यूटर्स है ना उसमें इंस्टॉल होगा नहीं, ठीक है, तो आप कर लोगे, लैपटॉप आपके पास अगर होगा तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। डुअल बूट कैसे बनेगा, डुअल बूट अगर आपको बनाने का इच्छा होगा तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको डुअल बूट कैसे बनेगा जी, ठीक है। ये बोल रहा है कुछ इंस्टॉल करने के लिए, मैं कर दूंगा इसको, ठीक है, और मेरे विंडो 7 में तो था विंडो, लेकिन मेरे को फिर से बताने का था तो इसीलिए मैं विंडो 10 में बता दे रहा हूँ आपको। चल भाई जल्दी से इंस्टॉल हो जा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना फालतू। कितना अच्छा टेक्निक होता, बस इसको पकड़ के खींच लेता यहाँ तक आ जाता, होता ना। ये बोल रहा है स्टार्ट ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स 6.0.2 आफ्टर इंस्टॉलेशन, में बोला हाँ भाई कर दो तो ये कर देगा, नहीं किया क्या इसका ये हिम्मत, ये करेगा नहीं, नहीं घूम रहा है, करेगा अभी, ठीक है, तो ये कर देगा जो है, हाँ कर दिया, ठीक है। मैं ऐसे आ गया, फाइल में मैं जाऊंगा तो ये सब मिलेगा, मेरे को इन सब का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू, ठीक, न्यू करने के बाद मैं ये कुछ बोल रहा है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, मैं सीधा इंटरनेट बंद करता हूँ आप अपना, और यूबुंटू यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ये बोल रहा है कि कुछ रैम मेरे को चाहिए, ठीक है, मेरे कंप्यूटर में 2 GB ही रैम है जी, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा रैम नहीं दूंगा, इसको मैं इतना ही छोड़ दूंगा, ठीक है, जितना अभी सिलेक्टेड है बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आपके कंप्यूटर में ज़्यादा रैम है तो बेशक इसको 2 या 3 या 4 GB आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क, ठीक है, क्रिएट पे मैं क्लिक कर दिया, फिर मैं इस पे आऊँगा, फिर बोलूँगा वर्चुअल हार्ड डिस्क, ठीक है, फिर मैं कर दूंगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे डायनामिक एलोकेशन है, तो आपने 2 GB या 4 GB रैम सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, और हार्ड डिस्क जो है 10-20 GB सेलेक्ट कर रखा है, तो आप फिक्स कर सकते हैं। मैं डायनामिकली एलोकेटेड में छोड़ दे रहा हूँ कि ज़रूरत पड़ता है तो और एलोकेट कर ले वो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये हार्ड डिस्क का बात कर रहा है, ये 4 GB सेलेक्टेड है, ठीक है, 4 GB यहाँ पे है, यहाँ पे 2 TB है, ये 12 GB में सिलेक्टेड है, मैं इसको 12 GB नहीं दूंगा जी, मैं इसको 10 GB ही दूंगा, मेरे पास अफराद का इतना नहीं है, ठीक है, कर देता हूँ ओके, ठीक है। ये वाला एक तो मशीन जो है क्रिएट हो गया, तैयार हो गया, अब इसका सेटिंग कर देते हैं हम लोग, ठीक है जी, खुल जा भाई सेटिंग, हाँ खुल गया। ये देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड वगैरह है, मैं इसको बाई डायरेक्शनल कर देता हूँ, ठीक है, आप मत करिए, आपको अगर नहीं करने का मर्जी है तो, मेरा मर्जी था मैंने कर दिया जी, ठीक है। मैं इसको ले जाऊँगा ऊपर, इसको ले जाऊँगा ऊपर, मैं इसको बाकी ऐसे ही छोड़ दूँगा। ये प्रोसेसर है, इसको जो है इनेबल कर दीजिए, आपका मन करे तो, ना मन करे तो, ठीक। डिस्प्ले है, डिस्प्ले में कुछ रखा नहीं है इसलिए मैं ये भी कुछ नहीं करूँगा इसको। महत्व का ये है कि ये एम्पटी वाला को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आइए, और ये बोल रहा है चॉइस वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा, मैं
डेस्कटॉप पे आऊंगा जी, ठीक है। मेरे को चाहिए आईएसओ, ठीक है, दिस पीसी। मैं आ जाऊंगा इसमें जी, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर फोल्डर में जाऊंगा, फिर मैं आईएसओ वाले फोल्डर में जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, ये देखिए, ये यूबंटू है जो मैंने रखा था, इसको मैं कर लेता हूँ ऊपर, ठीक। ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया जी, अब मैं इसको कर दूंगा जी ओके, ठीक है, हो गया ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट मेरा मर्जी किया, मैंने कर दिया, आपका मन नहीं करता है तो मत करिए, लेकिन इंस्टॉल नहीं होगा फिर, ठीक है। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है इंस्टॉल होने में ये। मेरा सिस्टम जो है थोड़ा स्लो है, इसीलिए समय ले रहा है। इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, इसको कर देता हूँ बड़ा, ऐसे ऐसे इसको करूँगा, इसको ऐसे, इसको। ये देखिए अब ये ओपन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, कर क्या रहे हैं आपको लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, सब कुछ हमको समझ में आ रहा है, आगे चलो, ठीक है जी, चलते हैं। ये घूम रहा है, घूमना शुरू कर दिया है, बोल रहा है चेक कर रहा हूँ मैं कंट्रोल सी दबा देता हूँ, मेरे को ये फाइल सिस्टम वगैरह चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नीचे लिखा था कि अगर तुम कंट्रोल सी दबाओगे तो चेक वेक नहीं करूँगा, मैं बोला मत करो। अब ये खुल रहा है धीरे धीरे, चलो भाई जल्दी से ओपन हो जाओ। घूम रहा है अभी थोड़ा, इसको मैं पॉज कर लूं क्या थोड़े देर के लिए, कर लेता हूँ जब तक घूमता है ऐसा, थोड़े देर में और अभी आएगा इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएंगे जो है। इंटरनेट से भी ये कनेक्ट हो सकता है, ये घूम रहा है थोड़ी देर, घूम ले तो फिर ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने के लिए। इधर इधर देखिए, यहाँ पे दो ठो ऑप्शन आए हैं, ठीक है, एक तो है ट्राई यूबंटू, एक तो है इंस्टॉल यूबंटू, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा कैसा, इसका आप चाहते हैं कि ट्राई करके देखें तो ट्राई में आप क्लिक करिए, या फिर आप सीधा चाहते हैं कि
इंस्टॉल करें तो आप सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करूं बताओ, आप लोग ट्राई कर लूं या इंस्टॉल कर दो सीधा? सीधा इंस्टॉल करो। चलिए जी, सीधा इंस्टॉल कर देता हूं। चलिए, ये घूम रहा है, घूमने देते हैं इसको। थोड़ी देर इंग्लिश, ठीक है जी, यहाँ भाषा तो पहले से सिलेक्ट। थोड़ी देर इसको फिर से रोकता हूँ, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, आई एम डी लिखूँगा तो ये लिखाएगा नहीं, थोड़ा लेट में लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि धीरे चल रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? सेलेक्ट हो जाएगा लैंग्वेज। यहाँ से मैं इसको इंडियन ले लूंगा, ये आ गया यहाँ पे भी इंडियन, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगा और इस कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा, और फिर ये आगे जो है प्रोसेस बढ़ेगा। ये देखिए, फिर ऐसा आएगा, उसके बाद नॉर्मल इंस्टॉलेशन आप करेंगे, ठीक है, तो ये सारे चीज़ें उसमें आ जाएंगे, मीडिया प्लेयर, यूटिलिटीज़, ऑफिस वगैरह, ठीक है। थर्ड पार्टी भी सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉल करना है, कुछ ग्राफिक ड्राइवर, वाईफाई का हार्डवेयर, एडिशनल मीडिया फॉर्मेट, तो इस पर आप सेलेक्ट कर दीजिए, लेकिन फिर इंटरनेट आपके में कनेक्टेड होनी चाहिए। मेरे को ज़रूरत नहीं है जी, ना ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ना ही इंटरनेट में दूंगा इसको, इसलिए कर लूंगा कंटिन्यू। फिर अबे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या आएगा। अब थोड़ी देर रोक लेता हूँ इसको। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल यूबंटू, इस पर ही क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूँगा मैं, ठीक है। लेकिन गलती से अगर आप डुअल बूट बना रहे हैं तो इस पर क्लिक मत करना, ठीक। हो गया तो आपका विंडोज पार हो जाएगा और यूबंटू इंस्टॉल हो जाएगा पूरा डिस्क फॉर्मेट करके, ठीक। अगर आपको डुअल बूट बनाना है तो आप समथिंग एल्स पे क्लिक करिएगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा, ठीक है। उसका पार्टीशन जो है स्वैप एरिया होता है और अलग दिया जाता है, उसका पार्टीशनिंग अलग होगा, ठीक है। अगर आप लोग को बनाना होगा तो बताइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन डुअल बूट बनाना है तो इसमें मत क्लिक करिएगा गलती से भी, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करके फिर पार्टीशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पर ही मैं क्लिक करके आगे चलूं या फिर पार्टीशन कैसे होगा मैं दिखा दूं आप लोग को। चलिए, थोड़ा और टाइम लगे। वर्चुअल बॉक्स में आप लोग कर रहे हो अगर, तो इसमें क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा आ गया पार्टीशन के लिए, ठीक है।
न्यू पार्टीशन टेबल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप लोगों को क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप डुअल बूट बनाएंगे तो आपको ऐसा क्लिक करने का न्यू पार्टीशन टेबल पे ज़रूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ। आप जब डुअल बूट बनाओगे ना तो क्या करोगे आप, सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप जाएंगे यहाँ पे मैनेज में सबसे पहले, ठीक है। अब मेरा मैनेज खुल जाए तो मैं फिर बताऊँगा आगे। ठीक है, डिक्स मैनेजमेंट में आप लोग जाओगे, ठीक है। ये कब करना है, जब आप डुअल बूट बनाएंगे तब। वर्चुअल बॉक्स में अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो नहीं, ये सब करना है सीधा, जो मैं इरेज डिक्स वाला पे बताया था उसी पे क्लिक करके आपको चलना है। यहाँ से आप श्रिंक वैल्यूम पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। और श्रिंक वैल्यूम पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ खाली कर लोगे कुछ डिक्स। कितना करोगे, जैसे मान लो 10 GB खाली कर लिए, 20 GB खाली कर लिए, ठीक है। श्रिंक करके 20 GB आप अनएलोकेटेड में निकाल लोगे या फ्री स्पेस में, ठीक। मैं आपको बताया था विंडोज में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 GB कितना हो जाएगा MB में, 10,000 सैकड़ा 1,000 10,000, ठीक है। तो मैं लगभग 10,000 या 20,000 MB जो है यहाँ पे श्रिंक कर लूँगा खाली करके, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खाली कर लोगे फिर इधर किनारे वो आ जाएगा इसी में अनएलोकेटेड में, ठीक है। जब आप खाली कर लोगे तब क्या होगा कि ये पार्टीशन टेबल आएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा सिर्फ एक ही फ्री स्पेस आ रहा है, ठीक है। आपके केस में एक फ्री स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे बहुत सारा पार्टीशन आ जाएगा आपके केस में जब आप डुअल वुड बनाओगे तो, ठीक। तो आपको किस में क्लिक करना है, सभी पार्टीशन को इग्नोर करते हुए खाली फ्री स्पेस को आपको देखना है, ठीक है। फ्री स्पेस को आपको सिलेक्ट करना है, ये फ्री स्पेस कौन सा होगा जो मैं अभी आपको खाली करके बताया था, श्रिंक करके मैं बताया था, ठीक है। तो जब ऐसा फ्री स्पेस आपको मिलेगा तो आप क्लिक करोगे इस पे, ठीक। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह का ये खुलेगा, ठीक। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 या 2 GB सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। 2,000 MB ले लेता हूँ, इकाई ढाई सैकड़ा 1,000, ठीक है। 2,000 लिया, ठीक है। और मैं इस पे क्लिक करूँगा इस वाले पे, और यहाँ से ले लूँगा मैं स्वैप एरिया, ठीक है। लॉजिकल मैं करता हूँ, ठीक है। आप प्राइमरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्वैप एरिया में ले लिया मैं इतना 2,000 MB, ठीक। स्वैप एरिया का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आप चला रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है, आपका रैम है 2 GB, मेरा रैम तो 2 ही GB है जी, ठीक है। तो चलाते चलाते मान लीजिए आपका रैम जो है फुल हो गया, ठीक है, लेकिन और भी कुछ डेटा आपको स्टोर करके रखना है, तो क्या आप करोगे, हार्ड डिस्क में ही 2 GB या 4 GB जितना आप यहाँ सेलेक्ट किए रहोगे, हार्ड डिस्क में ही कुछ स्पेस इतना ये निकाल लेगा जिसको रैम के जैसा यूज कर लेगा, जिसको कहेंगे स्वैप एरिया, ठीक। विंडोज में पेज फाइल होता है ये, लिनक्स में स्वैप एरिया होता है, ठीक। इतना करके आप कर देना ओके, ठीक। जैसे ही आप ओके करेंगे तो क्या होगा, एक पार्टीशन बन के आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा घूम रहा है, मेरा सिस्टम स्लो है इसीलिए टाइम लेगा आपको। डुअल बूट बनाने के लिए आपको बूटेबल भी बनाना पड़ेगा पेन ड्राइव, ठीक है।
तो आप बूटेबल पेन ड्राइव बना लेना। बूटेबल पेन ड्राइव बनाना कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा, कल बता दूंगा, कल पूछ लेना आप, ठीक है। मैं बूटेबल कैसे बनाना ये बताना भूल रहा था, लेकिन अब बता दूंगा, याद आ गया, ठीक है। अब ये बचेगा फ्री स्पेस, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप जान लो। फिर से मैं जाऊँगा मैनेज में, ठीक है, और मैनेज में जाने के बाद क्या करूँगा मैं, ये खुल जाए तो ना, अब मेरे पास एक्सटर्नल कैमरा तो है नहीं कि मैं डुअल बूट आपको लाइव बना के शूट करके दिखा दूं जी। देखिए अब यहाँ पे मैं आया, ठीक है, ये SSD मेरे में लगा है, ये हार्ड डिस्क लगा है, मैं SSD में जो है इंस्टॉल करूँगा बाकी चीज़ें, ठीक है, या फिर मैं इसमें श्रिंक कर लेता, या फिर इसमें जो है श्रिंक करके निकाल लेता 10 GB, इसमें से भी मैं श्रिंक करके निकाल सकता था, ठीक है। तो मैं डुअल बूट आपको नहीं दिखा रहा हूँ बना के, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, राइट कर जिस डिस्क में आपको इंस्टॉल करना है Ubuntu डुअल बूट में, ठीक है, उसी डिस्क पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी में जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा वैल्यूम, ठीक, वैल्यूम में यहाँ पे मैं देखूँगा पार्टीशन स्टाइल MBR, मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। अगर पार्टीशन स्टाइल अगर MBR है तो क्या करना है, और GPT क्या कर है तो क्या करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ से चेक कर लोगे कि MBR है कि GPT है, मेरा MBR पार्टीशन है, ठीक है। आप हो सकता है कि आपका GPT पार्टीशन हो या MBR हो, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, अब ओपन हो जाए तब ना, ठीक है, ये कुछ इतना MB जो है लिया है, ठीक है। अगर आपका पार्टीशन MBR है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, EXT4 ही रहने देना आप, ठीक है। और अगर दिखा क्यों नहीं रहा है, मैं जो पार्टीशन स्टाइल खोज रहा हूँ इसमें, इसमें दिखा ही नहीं रहा है, तो अब मैं बताऊं कैसे। इसमें तो दिखा नहीं रहा है मेरे में पार्टीशन स्टाइल, ठीक है, कि GPT के लिए क्या रखने का, ठीक है। रूट मैं यहां से सेलेक्ट कर लिया, ठीक, MBR पार्टीशन होगा तो आप EXT4 फाइल सिस्टम यहां पे आप ले लेंगे, ठीक है। UEFI करके कुछ होता है, इसमें दिखा नहीं रहा है मेरे को, दिखा नहीं रहा है तो मैं कैसे बताऊंगा आप, ठीक है, इसलिए आप मैं यही छोड़ देता हूं, मेरे केस में MBR है, ठीक है, कर दूंगा आप मैं ओके, ठीक। आपको अगर बनाना होगा डुअल बूट अपना सिस्टम तो आप बताइएगा, मैं आपके सामने बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अब एक घूम रहा है, घूम ले तो फिर यहाँ पे चेक का साइन आ जाएगा ये, ठीक है। चल भाई थोड़ा जल्दी कर, मेरा सिस्टम जो है काफी स्लो है, इसीलिए टाइम ले रहा है। मैं इसको थोड़ा पॉज करता हूँ तब तक। ये देखिए ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे टिक का साइन आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, सीधा कर दूंगा इंस्टॉल पे क्लिक, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इतना तामझाम आपको पार्टीशन वगैरह करने का जरूरत नहीं है। आप इरेस करके आया था ना ऑप्शन, एक पहला वाला ऑप्शन, उसी को आप सेलेक्ट करके कर देंगे कंटिन्यू, आप वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर लेंगे, इतना करने का जरूरत नहीं है पार्टीशन वगैरह, ठीक है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दिया, ये बोल रहा है फॉर्मेट करने के लिए कि कर दूंगा मैं बोला कर देना फॉर्मेट, हमको कोई दिक्कत नहीं है,
चलिए जी, तो अभी आगे हो जाए, दो स्टेप शायद और बचा है, यहाँ पे दिख रहा है जो। ये आ जाए गया मेरा अगला, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है, ये इंडिया का जो नक्शा दिख रहा है इस पे, और कर दूंगा क्लिक। ये पूछ रहा है अपने से टाइम जोन, ऊपर करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, कर दूंगा आप कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड भी जल्दी पूछ ले भाई, और फिर इंस्टॉल कर दे फटाक से। अब ये पूछ रहा है नेम बताओ जी, नेम मैं बता दिया, पर इसको पता क्यों नहीं चला जब मैं बता दिया, तो लगता है हैंग हो गया, मैं इतना स्पीड टाइपिंग करता हूँ क्या। ओ, अपने आप लिखा गया अभी, ये पासवर्ड बोल रहा है, मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, आपका भी मन करे तो डाल दिया करिएगा पासवर्ड, ठीक है, डाल दिया। अब ये बोल रहा है लॉग इन इन ऑटोमेटिकली, मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, जब जब मैं पासवर्ड डालूंगा तभी खुलना, ठीक है। अब कर दूंगा यहाँ पे कंटिन्यू, ठीक, जैसे ही मैं इस पे कंटिन्यू करूंगा ये इंस्टॉल होना जो है शुरू हो जाएगा, ठीक, ये घूमने लगा, अब इंस्टॉल होना अब शुरू हो गया, फाइनल स्टेप, अब सीधा इंस्टॉल करके ओपन कर देगा सिस्टम, अब कुछ भी दिक्कत नहीं है, सारा जो स्टेप्स था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक। यार इतना क्यों टाइम ले रहा है ऐसे, जल्दी करो ना। इतना घूम क्यों रहा है, सीधा ये हो जाएगा शुरू इंस्टॉल होना। ये देखो जी शुरू कर दिया है ये इंस्टॉल होना, ठीक है, ये देखिए, अब ये हो जाए इंस्टॉल कर देगा ये पूरा जो है, ठीक है, थोड़ी देर में, थोड़ा देर लगेगा इंस्टॉल करने में, और ये कर देगा इंस्टॉल, ठीक है, आराम से हो जाएगा ये पूरा इंस्टॉल, हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब कुछ भी ऑप्शन बचा नहीं है हमारा, ठीक है, तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, रोक लेता हूँ जी, ये हो रहा है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो और खुलेगा फटोफटो, ये देख लो, तो ये हो रहा है इंस्टॉल, थोड़े देर में हो जाएगा इंस्टॉल, अब ठीक है, कैलकुलेटिंग फाइल टू स्किप, इसको मैं पॉज कर लेता हूँ। चलिए सिस्टम अब हो ही जाएगा थोड़े ही देर में, अब तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये सच में इंस्टॉल मेरा इतना धीरे धीरे हो रहा है जैसे लग रहा है कि देश का विकास हो रहा है। चलो कोई बात नहीं,
से इसको रोक लिया। धन्य हो गया जी मैं इस Ubuntu को इंस्टॉल करके इतना टाइम लगा के, अब आ गए हैं खुशी के दिन, अच्छे दिन। इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीट, नीड रिस्टार्ट, रिस्टार्ट करने को बोल रहा है, ठीक है क्लिक कर दूंगा तो ये रिस्टार्ट होगा। क्या पूछ रहे थे? एक फीट में कितना इंच? आपको मालूम नहीं है एक फीट में कितना इंच? अच्छा 12 इंच होता है। चलो जी मेरे को भी पता चल गया कि 12 इंच होता है। क्यों आपको मालूम नहीं था? था मालूम? चल भाई जल्दी से हो जा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट जैसा ही होगा हमारा तैयार हो जाएगा Ubuntu, जिस पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और बहुत स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम जो है, 2 GB रैम है, कितना ताकत करे ये, ठीक है। प्रैक्टिकल मैं बेस मशीन पे बताने वाला हूँ, वर्चुअल बॉक्स पे नहीं बताऊँगा मैं। मैं नहीं चाहता कि वो भी स्लो चले और मेरा दिमाग ख़राब हो, ठीक है। इसको फिर से मैं पाउज करके रखता हूँ। हो रहा है रीस्टार्ट ये, ठीक है। तो इंस्टॉल आप लोग कर लोगे ना? ऐसे नहीं हो पाएगा आप लोग से? कर लोगे आप लोग इसी तरह से इंस्टॉल करके देखना। बोल रहा है प्लीज रिमूव इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। मैं एंटर कर दिया जी, अब हो गया रिस्टार्ट होने लगा है अब, ठीक है। अब गोल गोल फिर से ये घूमेगा, ठीक है, और लिखा आ जाएगा Ubuntu और हम लोग खुशियाँ मनाएंगे कि चलो जी बहुत कड़ा तपस्या के बाद हमारे विंडोज में इंस्टॉल हो गया Ubuntu, ठीक है। चलिए जी, एक कुछ बोल रहा है जिसको हम नहीं पढ़ेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और बस ये कुछ कुछ बोल रहा है ऐसे 20.04 पॉइंट कुछ कुछ समथिंग, ठीक है। चलो भाई फटाक से चालू हो जाओ। इसको रोक के मैं रखता हूँ तब तक। हाँ जी इतना अभी आया है, थोड़ी देर में मेरे से पूछेगा कि जी आप यूजर नेम और पासवर्ड बताइए, ठीक है। ये देख लीजिए आ गया, मैंने नाम गलत टाइप किया था क्या? नाम नहीं टाइटल गलत टाइप किया। चलो भाई जल्दी से मेरे से पूछो यूजर नेम मेरा, मैं फिर अपना यूजर नेम क्या चे? अब मैं एंटर कर दिया पासवर्ड टाइप करके, ठीक है। तो क्या होगा, खुल जाएगा ये? थोड़ा हैंग कर रहा है ना, ये बहुत स्लो चल रहा है जी इसमें, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन आया, चलिए जी हटो जी ब्लैक स्क्रीन जल्दी, और जल्दी से मेरा सिस्टम चालू हो जाए काम करने के लिए। कम्प्लीटली हमारा इंस्टॉल हो चुका है जो है Ubuntu, ठीक है, कम्प्लीटली हो गया है। बस अब हमारा स्क्रीन दिखाई दे दे तो अहो भाग्य हमारे की दर्शन हो गए, ठीक है जी। मैं थोड़े देर और पॉज करूं क्या? मैं ऊब गया हूं आज पॉज और रिज्यूम करके। हाँ जी खुशी के दिन आ गए हमारे, अब ये हो रहा है चालू। अभी भी लेकिन पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे, मेरा सिस्टम काफी ज्यादा हैंग कर रहा है। हो सकता है आप अपने लैपटॉप में करो ना तो फास्ट चले थोड़ा, ठीक है। 2 GB रैम है इसीलिए जो है बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। आ गया जी ऐसा, ठीक है। मैं जाऊंगा ऊपर, इसको कर दूंगा स्किप, ठीक है। बोल रहा है नेक्स्ट कर दूंगा इसको, हो जा भाई नेक्स्ट। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है बिताने को,
फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, बोल रहा है हेल्प इम्प्रूव योर यूबंटू पता नहीं क्या क्या। फिर से मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है अब डन पे क्लिक कर दूँगा मैं जी, हो जाओ अब डन। ठीक है तो आपका यहाँ पे हमारा सिस्टम इंस्टॉल होके प्रॉपर रेडी हो चुका है जी। ठीक है इस पे क्लिक करूँगा तो ये सब दिख रहा है मुझे, ठीक है नीचे आऊँगा तो ये देखिए जो विंडोज़ में स्टार्ट मेनू होता है वो यहाँ पे है जी। ठीक है सो एप्लीकेशन पे मैं क्लिक कर दिया, आप खुलेगा पूरा एप्लीकेशन। ठीक है खैर छोड़िए मैं नहीं, ये देखिए हैंग कर रहा है मेरा, बहुत स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। ठीक है मैं फिर से इसी पे क्लिक कर देता हूँ जी ताकि ये बंद हो जाए। ठीक है मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और चुपचाप मैं अब शट डाउन कर देता हूँ। ठीक है बाकी हम लोग कल देखेंगे। ठीक है मैं आपको बहुत ज़्यादा सर्वर लेवल पे नहीं बताने वाला हूँ जी लिनक्स, थोड़ा बहुत बेसिक कमांड्स वगैरह मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है अगर आपको ज़रूरत पड़ता है और ज़्यादा तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है चलिए जी भाई आप अब बंद हो जाइए, हम धन्य हो गए आपका शकल देख के। ठीक है चलो जी ये अब शट डाउन हो रहा है, होने लगा, हो जाएगा अब थोड़ी देर में। ठीक है हो गया बंद हो गया, इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा। यूबंटू हमारा इंस्टॉल हो गया, कैसे हुआ आपने देख लिया, इसको भी मैं बंद कर दे रहा हूँ। आप लोगों को कोई तकलीफ हो तो आप पूछ लो।